ओम शांति। राहुल एक बहुत अच्छे पोस्ट पर है, एक बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में वो जॉब कर रहा है। उसका पैकेज काफ़ी अच्छा है, उसको उसके उम्र के हिसाब से सब कुछ हासिल है। एक अच्छा सा घर, एक कार, उसके साथ उसका जॉब, और हाँ उसके साथ साथ वो अपना ध्यान रखता, माना पार्टी एंजॉय करता है, और साथ में वीकेंड्स पर ऑर्फनेज में जाता है, बच्चों को मदद करता है। उसके साथ वो ओल्ड एज होम में जाता है, वहाँ भी सीनियर सिटीजन्स की मदद करता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी राहुल के मन में एक विचार बार बार आता है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं आनंदित नहीं हूँ, मैं समाधानी नहीं हूँ। और हाँ कई बार तो ऐसा प्रश्न आता है, अब मुझे जीकर क्या करना है, मुझे तो सब मिल गया, अभी मेरे जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं, मेरे पास सब कुछ है। राहुल जैसा क्वेश्चन आजकल कईयों के मन में आता है, कई कहते सब कुछ है ना, अभी मैं जीकर क्या करूं। ये ऐसा कब होता है, जब हम दूसरों का ध्यान रखते रखते स्वयं का ध्यान रखना भूल जाते हैं। दूसरों की केयर करते करते सेल्फ केयर हम भूल जाते हैं, दूसरों को मदद करते करते खुद की आत्मा को मदद करना हम भूल जाते हैं। तो अंदर में वो खालीपन, अंदर में वो कहाँ असमाधान, अंदर में ना खुशी, ये ऑटोमेटिक आता जाता है। अभी इस प्रकार से हम अपने मन को अगर रखेंगे तो फिर जीवन क्या लगेगी, उसमें समाधान नहीं होगा। आओ हम अपने मन की स्थिति को बहुत सुंदर बनाते हैं, और उसके लिए एक काम रोज करना है, दूसरों की सेवा के साथ साथ स्व की भी सेवा करनी है। और इसके लिए अपने रोज के रूटीन में मुझे खुद को अपॉइंटमेंट देनी है। यस, मैंने खुद को अपॉइंटमेंट देनी है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ देर मोबाइल साइड में रखकर, कुछ देर सारी दुनिया से कट ऑफ करके, सिर्फ मैं और मेरा मन। माई माइंड इज माई बेस्ट फ्रेंड। चलो अपने मन के साथ आज बातें करो, टाइम निकाल कर दिन में, चाहे आधा घंटा एक घंटा, और जस्ट अपने से पूछो आपको कैसे फील हो रहा है। अच्छा, आपने ये जो फील किया ये सही था, आपको जो अंदर दुख हुआ ये सही था, या हम और किसी दूसरे प्रकार से फील कर सकते थे। आपने अभी जो सोचा वो राइट था, तो फिर राइट वे कौन सा है। हम अपने आप से बातें करें, अपने साथ एक पॉजिटिव हेल्दी सेल्फ टॉक करें। जितना हम अपने साथ बहुत हेल्दी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, उतना ही आप देखेंगे हम अपने मन को समझा सकते हैं, हम अपने मन को कन्विंस कर सकते हैं, हम अपने मन को उसका माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। तो अपने आप को समझाइए, ये जीवन तो बड़ी दुर्लभ है, और ये जीवन बार बार नहीं मिलती है, तो क्यों नहीं मैं अपनी आत्मा को आत्मा के जो गुण हैं उसके साथ भरपूर कर दूं। हर समय अगर मैं ये ध्यान रखूं, खुश होकर मैं हर कर्म करूं, तो मेरा मन खुश रहेगा, खुशी बढ़ती जाएगी। अगर मैं शांत रहकर दूसरों को शांति प्रदान करूं, तो मेरी शांति बढ़ती जाएगी। मैं खुद शक्तिशाली रहकर औरों को शक्ति दूं, तो मुझ आत्मा की शक्ति, मेरी इनर स्ट्रेंथ, मेरी इनर पावर, ये बढ़ती जाएगी। तो दूसरों को देते देते हमारे भीतर भी वो गुण,
वो शक्तियाँ बढ़ता रहे, अगर हमने इसका ध्यान रखा ना, तो जीवन में सदा खुश रहेंगे, सदा समाधानी रहेंगे, सदा हैप्पी रहेंगे। और इसलिए आज से एक बात ध्यान रखना, सर्व की सेवा के साथ साथ खुद की सेवा करना, खुद के लिए समय ज़रूर निकालना, दूसरों का केयर करते करते सेल्फ केयर ज़रूर करना। तो आज आपके बिजी शेड्यूल में से अपने लिए आज आप विशेष टाइम निकाल रहे हो ना, फिर देखो आपका जीवन खुशी से भर जाएगा। हैप्पी डे।